इसी को तो एडवेंचर बोलते हैं। यहाँ पैर रखना है, फिर वहाँ रखना है, फिर निकल जाएंगे। भाई साहब यहाँ तो काफी गहरी खाई है ये। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तरुण कृष्णा। तो भाई अभी मैं पहली बार आया हूँ कैंपिंग की एक वीडियो बनाने के लिए, कैंपिंग करने के लिए, और आपके साथ शेयर करूँगा कैसे मेरा कैंपिंग का एक्सपीरियंस रहा पहली बार। तो अभी मैं भाई पहाड़ों के एरिया में आया हूँ, या मेरे पीछे आप देखोगे पहाड़ी पहाड़ है यहाँ पर। तो भाई मैं कहीं देहरादून में नहीं गया, हरिद्वार में, ऋषिकेश में नहीं गया, अभी मैं दिल्ली NCR के अंदर हूँ, गुड़गांव के अंदर। इस जगह की अगर बात करें भाई, ये जगह जो है लेपर्ड हिल के नाम से फेमस है। ये जो अभी पूरे पहाड़ देख रहे हो ना यहाँ पर, ये लेपर्ड हिल एरिया है पूरा, अरावली हिल्स है ये चारों ओर, यहाँ पहाड़ है यहाँ पर, ये अरावली हिल्स है यहाँ पर। तो गुड़गांव में आप आ सकते हो इस जगह कैंपिंग करने के लिए। हम आए हैं यहाँ पर, पूरा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। टेंट लगाएंगे क्या कैंपिंग का, हम टेंट लगाएंगे, फिर अपना चूल्हा वगैरह जला के खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे, फिर अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे में भी आपको दिखाएंगे यहाँ का व्यू। पीछे मेरे आप देख सकते हो यहाँ पर एक झील भी है, बहुत प्यारा व्यू है। तो आइए यहाँ का पूरा मैं आपको व्यू दिखाता हूँ आसपास का, फिर अपना टेंट लगाएंगे, खाना पीना बनाएंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो इतने गर्मी का मौसम है और गर्मी में हमें देखो यहाँ इतनी ठंडक वाला एरिया मिल चुका है यहाँ पर, झील के साथ वाला। आइए अब हम अपना टेंट लगाते हैं, आपको सब कुछ दिखाते हैं कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ना मैं आपको बता देता हूँ जगह कौन सी है। तो भाई मैं गुड़गांव के अंदर इस समय खड़ा हूँ दिल्ली NCR में। तो इस जगह को जो जाना जाता है ना लेपर्ड हिल के नाम से जाना जाता है, बाकी लेपर्ड ट्रेल भी बोलते हैं इस जगह को। तो यहाँ आप देख सकते हो झील है, तो आपको गूगल पर डालना है अगर यहाँ पे आप आना चाहते हो, लेपर्ड ट्रेल डाल देना या फिर लेपर्ड हिल्स डाल देना, तो इस जगह आप आ जाओगे। मतलब देखते हुए आपको आना होगा रास्ते में, क्योंकि ये जगह अचानक से बीच में पड़ जाती है जहाँ पर ये झील मिलती है आपको छोटी सी। इसके अंदर काफ़ी डक्स वगैरह भी हैं, ये देखो वो भी सामने। तो ये थोड़ा पानी के पीछे, वरना मैं आपको दिखाता, काफ़ी सारे बर्ड्स हैं, बहुत प्यारी आवाज़ आ रही है बर्ड्स की। देखो एक मिनट में शांत हुआ ना, बर्ड्स की आवाज़ आएगी। तो यहाँ गर्मी हो रही है, लेकिन हमने ऐसी जगह तलाश ली जो कि बिल्कुल छाव में रहने वाली है। अभी हम चल रहे हैं अपना टेंट वगैरह लेने के लिए, फिर टेंट लगाएंगे, खाना पीना बनाएंगे, खाएंगे, और साथ में आज छोटा भाई आया है कार्तिक, और भी एक्साइटेड है। चलो भाई देखो झूला झूल रहा है ये, इसके लिए हमने एक झूला बनाया है यहाँ पर। ये रहा यहाँ पे हमारे कैंपिंग टेंट वगैरह, सारे सामान हम ले चुके हैं। हम देखो गर्मी का टाइम है तो इस तरीके से बॉक्स लेकर आए हैं, इसके अंदर हमने अपनी बोतल रखी है ठंडा पानी करने के लिए, बर्फ वगैरह रखी है इसमें, आइस वगैरह सब। बाकी यहाँ देखो ये पहाड़ कितनी बड़ी बड़ी देख सकते हैं हम, चट्टाने हैं काफी बड़ी बड़ी। ले लिया सारा सामान, ले लिया मेरा बैग भी ले लो यार, ये चटाई वगैरह ले लो। तो हमने अपना सामान उठा लिया, चल रहे हैं अब टेंट वगैरह लगाएंगे। मोर की भी यहाँ पे आवाज़ आ रही है, मोर भी है यहाँ पर काफी, मतलब बार बार आई जा रही है मोरों की आवाज़। यहाँ पे लगाते हैं 500, यहाँ पर आ, यहाँ पे ये बढ़िया है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ देखो छाव भी आ रही है, बढ़िया से पेड़ लगा है, पीछे देखो सन कैसे चमक रहा है वो। तो यहाँ पे लगाएंगे अब अपना टेंट। ये तो यहाँ पर देखो ये जो टेंट होता है ना उसकी स्टिक वगैरह है जो लगाते हैं यहाँ पर, ये देखो टेंट ये रहा। हिमांशु भाई कोई लेना चाहे टेंट तो मतलब कैसे ले सकता है? भाई मैंने कैंपिंग से रिलेटेड, अगर आपको शौक है या फिर ट्रैकिंग से रिलेटेड, तो मेरा एक चैनल है जिसमें आप जाके देख सकते हैं कैंपिंग ड्रीमर, वहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज़ दिखाई है। अगर आपको कैंपिंग, ट्रैकिंग, केदारनाथ या फिर अभी आपको पता है कि वो सावन का महीना अमरनाथ जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बढ़िया से कैंपिंग के लिए कैंपिंग स्टोव, टेंट, टॉर्च वगैरह, तो उसके मैंने एकदम सस्ते से रेट में दिल्ली में कहाँ पे वो होने वाली है, लोकेशन, शॉप का नंबर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आप कैंपिंग। अच्छा आपने पूरी वीडियो बना रखी है उस बारे में, तो सारे सामान ले सकते हैं उस दुकान से, सारा सामान डिटेल में। तो भाई भाई का चैनल का नाम क्या बताया था? कैंपिंग ड्रीमर नाम से भाई का चैनल है, जाके आप देख सकते हैं वीडियो। भाई ने सब बताया कहाँ से आप सस्ते में सामान ले सकते हो कैंपिंग का, सब कुछ भाई वहीं से लेकर आया है। देखो ये पानी की बोतल है, ये देखो काफी भारी है, कितना सारा इसमें पानी आ रखा है भाई, कितने लीटर की होगी ये? भाई ये 10 लीटर की है, 250 रुपए की, मात्र 250 रुपए की 10 लीटर की ये रहने वाली है। बाकी देखो काफी सारे सामान है, पैक्ड है अभी। टेंट है 3% टेंट है ये, 3% टेंट है, तो आराम से 3 बंदे आ सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल। तो आराम से 3 बंदे आ जाएंगे इस टेंट के अंदर, भाई लगा रहे हैं, दिखाते हैं चलो। देखो ये बढ़िया है भाई, हम ये चटाई वटाई लेके आए थे ना, ये हमने बिछा लिया, अब खाने पीने का जुगाड़ करेंगे। टेंट तो अपने यहाँ पे लग गया है, भाई लगे हैं शूटिंग में, तो खाने को क्या क्या था भाई? मैगी वगैरह है कुछ, देखते हैं क्या क्या है। लगाओ भाई लगाओ, खाना लगाओ अपना, स्टॉप स्टॉप लगाओ, क्या लाए हो?
दोस्तों। और देखो जिस जगह पे हम आए हैं ना कैंपिंग करने के लिए, यहाँ देखो ये यहाँ थोड़ा छोटी सी एक झील टाइप बना हुआ है और अभी थोड़े में मानसून का समय है तो यहाँ पे पानी भी देखो इकट्ठा हो गया जो कि बहुत अच्छा इसको लुक दे रहा है। ये देखो बाकी वहाँ पीछे देखो, वहाँ पीछे नहीं आगे वहाँ देखो पहाड़ है। पहाड़ पे जा रहे हो भाई? ऊपर जा रहे हो? मैं भी आ रहा हूँ, चलो भाई पहाड़ पे चलते हैं वहाँ ऊपर। अच्छा चिड़िया, ओ भाई साहब कितने सुंदर सुंदर बर्ड्स है देखो, वो देखो ये देखो बहुत सारे बर्ड्स हैं। पीकॉक, हाँ आवाज आ रही है पीकॉक की। आ जाओ भाई आप भी आ जाओ। ये देखो मेरे साथ छोटा भाई आया ना मेरा कार्तिक, तो चलो भाई चलिए इसी को तो एडवेंचर बोलते हैं। यहाँ पैर रखना है फिर वहाँ रखना है फिर निकल जाएंगे, चलो कुछ नहीं होगा, एडवेंचर इसी को बोलते हैं। चल 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 रहा पैर रख, ये पत्थर पे रख पैर, ये उस वाले बड़े वाले पत्थर पे, वो बड़े वाले पे, हाँ आवाज निकल जा। ये देखो इसे बोलते हैं एडवेंचर, वह छोटा सा ही है तो चलो 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 वहाँ जालते हैं ऊपर। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है ये आप देख सकते हो, चलो भाई चलो चलो भाई चलो 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 काफ़ी खड़ी है चढ़ाई ये देखो, तो उस साइड मतलब खाई भी होगी वहाँ पर क्योंकि चढ़ाई काफ़ी खड़ी है ना इसीलिए। यहाँ देखो भाई फ्लावर्स वगैरह भी है, ये फूल पत्ते यहाँ पर है, कितना अच्छा लग रहा है ये देखो पूरा येलो येलो, थोड़ा मुरझासे भी रहे हैं क्योंकि धूप भी लगती है ना इन पर काफ़ी। सनफ्लावर, अच्छा सनफ्लावर है ये। यहाँ देखो कांटे वगैरह भी, ओहो हो ये देखो भाई बहुत ज़्यादा नौकीले लग रहे हैं, तो चलो आओ ऊपर चलते हैं। अरे मानसो भाई लोग जाते हैं यहाँ तो शायद, ये देखना सारे पैरों के निशान है भाई, सब जाते हैं ऊपर तक, मजा आता है। अच्छा ऊपर तक जाते सारे लोग, ये देखो सारों में पैरों के निशान है यहाँ पर। अरे भाई क्या व्यू लग रहा है वो देखो सामने, पहाड़ ही पहाड़, मजा आ रहा है ना कार्तिक? हाँ हम देखो चप्पल पहन के आ गए, ये गलती कर दी हमने, अगर हमारे पास शूज होते ना तो मजा आता ट्रैकिंग करने में। ये देखो भाई कितना ज़्यादा प्यारा व्यू आ रहा है, पूरे अरावली हिल्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, बाकी लेपर्ड हिल यहाँ इस साइड है आगे। ये देखो भाई हम ऊपर तक आ चुके हैं, खाई है क्या यहाँ पर? ओ भाई बड़ी भयंकर खाई है भाई साहब, यहाँ तो काफ़ी गहरी खाई है, ये काफ़ी गहरी खाई है देखो, ये फिसलते हुए जा सकते हैं यहाँ पर अगर खड़े होते हैं तो, क्योंकि रेता है ना पूरे रेत वगैरह है और फिसलने का भी डर हो सकता है आगे, इसलिए मैं दूर खड़ा हूँ। देखो ये बाकी देखो वहाँ पे सारे में पहाड़ ही पहाड़, कितना प्यारा व्यू है, वहाँ भी देखो पहाड़ ही पहाड़। आ जा आ जा यहाँ से थोड़ा यहाँ पे आ जा, ये देख यहाँ से व्यू कैसा आ रहा है, ये देख खाई मिट्टी मिट्टी है पूरी, क्या है वहाँ नीचे गड्ढा कैसे हो रहा है ये। ये देखो हम थोड़ा सा यहीं पर और आगे को आगे, रोड देखो कैसा लग रहा है, लेपर्ड हिल मतलब आगे यही है, लेपर्ड हिल जो है, लेपर्ड हिल जो है ना वो आगे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है बस। अच्छा अच्छा 2 किलोमीटर दूर है, तो कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, कार आ रही है देखो सामने से भाई, ऐसा लगता है जब जैसे हम फिल्मों में नहीं देखते स्पोर्ट्स कार आती है। हाँ रोड में इतनी काफी अच्छा लग रहा है व्यू, पहाड़ भी काफी ऊंची ऊंची है यहाँ पर, मुझे लगा नहीं था कि दिल्ली के पास मतलब ऐसी जगह होगी। सच में दिल्ली की हिडन प्लेसेस है, अधिकतर लोगों को नहीं पता, अभी लोगों को मालूम नहीं है, लोगों को पता लगेगा यहाँ पे भी भीड़ हो जाएगी ना, भीड़ होने लग जाएगी फिर। हाँ तो हमारा काम है यहाँ पे भीड़ करना, वीकेंड में आते हैं लोग यहाँ पे। हाँ आते हैं लेकिन अभी उतने नहीं आते, अभी उतने नहीं आते। तो भाई वापस जा रहे हैं हम अपने टेंट की तरफ, हमने आपको आसपास का एरिया दिखा दिया, तो अब वापस चल रहे हैं अपने टेंट की ओर, खाना वगैरह बनाएंगे अब चल के। क्या बनाएंगे मानसु भाई? क्या खाना चाहते हो बताओ? पनीर है, मैगी है, काफी ऑप्शन है हमारे पास है ना, चावल है, हम बनाएंगे आपको खिलाएंगे भाई सोया चाप, सोया चाप बनाएंगे हम, मसाला सोया चाप बनाएंगे, बहुत बढ़िया मजा आएगा। तो भाई मैंने बताया था ना साथ में छोटा भाई आया है, देखो भाई इसको लेकर आया था, इसके लिए यहाँ पे हमने एक झूला बना दिया, ये देखो काफी टाइम लग गया इसे बनाने में ना, रबड़ वगैरह मतलब सारे में पड़ी थी, हमने सोचा क्यों ना इसका यूज कर लिया जाए, तो ये झूला बना दिया। देखो ये यहाँ पे भाई बैठ गए, इतना वेट ये सहन कर सकता है, ऐसा झूला हमने बनाया है, जा भाई जा झूल ले, तेरे लिए बनाया जा, यहाँ से मत चढ़ आगे से वहाँ से चढ़, कहाँ से यहीं से हो जाएगा, चल चल यहीं से चल। तो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर आप कर सकते हो भाई, दिल्ली एनसीआर के अंदर हमें गुड़गांव में आराम से चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बस, देखो एडवेंचर का मज़ा ही अलग होता है भाई, ये देखो मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि भाई दिल्ली के बगल में ऐसी जगह है, मतलब हम 1 घंटे आए हैं और 1 घंटे में हम यहाँ पर आराम से आ गए। झूल भाई झूल झूल झूल, वाह भाई वाह बहुत बढ़िया बढ़िया है। तो भाई मैं भी झूलता हूँ इस वाले झूले में जो हमने बनाया, ये मजा आ रहा है तो। और देखो पेड़ों के हम नीचे हैं ना, तो भाई गर्मी नाम की चीज़ नहीं लग रही, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, बगल में हमारी एक झील है छोटी सी, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है काफ़ी ज़्यादा।
भाई टेंट वगैरह तो पिच हो गया है, अब भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। चलिए अब जल्दी से खाना वगैरह बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सोया चाप मसाला, देखेंगे भाई किस तरीके से बनने वाला है। फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, कैंपिंग में अभी तक हमने नहीं बनाया, तो हम उसे बनाएंगे चावल के साथ, देखते हैं राइस के साथ कैसा रहेगा अपना सोया चाप रेसिपी। तो भाई हिमांशु भाई ने यहाँ पे तो गैस चूल्हा अपना निकाल लिया है, ये देखो कितना क्यूट सा यहाँ पे ये है, इसी पे खाना बनेगा हमारा। हाँ भाई इसी में बनाएंगे, तो इसी पे अपना खाना बनाने वाले हैं हम। रुको अब दिखा। तो भाई खाना बनाएंगे अभी। हाँ चला के दिखाओगे? हाँ, लेकिन भाई दिखेगा नहीं रोशनी की वजह से। अच्छा अच्छा चालू हो गया। ये देखो आग लग रही है पर दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अंधेरा नहीं है ना, अंधेरे में दिखाई देगी। यहाँ पे देखो भाई काफी सारे लोग आ चुके हैं घूमने के लिए, मतलब बाहर से पता लग जाता है देख कर कि यहाँ पर एक झील बनी हुई है, तो लोग ना मतलब अपनी गाड़ी बाहर लगा लगा के यहाँ पे अंदर आ रहे हैं घूमने के लिए, फोटो वगैरह क्लिक करके जा रहे हैं, रील्स वगैरह बना के जा रहे हैं। लग बनाओ भाई खाना बनाओ। ये देखो भाई ने यहाँ पे अपनी स्टोव वगैरह निकाल ली है, केतली वगैरह निकाल ली है, तो इसमें ही खाना बनेगा हमारा। यहाँ देखो और भी बर्तन है, ये देखो निकालो भाई निकालो। भाई साहब व्यू एक नंबर है सच में ही, कितनी बढ़िया लग रही है पहाड़े, पूरी ग्रीनरी इतनी अच्छी लग रही है, मज़ा आ जा रहा है देख कर, दिल खुश हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है सच में ही। तो भाई इस वाली बोतल से, इस वाली बोतल में पानी भर रहा हूँ मैं, फिर वो फ्रीज़र के अंदर डाल देंगे ताकि पानी ठंडा रहे बिल्कुल। तो भाई मेरे को पानी भरना नहीं आता था, इस वाली बोतल से इस तरीके से पानी भरते हैं, उठाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको ही थोड़ा टर्न कर दो फिर बोतल भर सकते हैं आराम से। ये नरेश भाई करके दिखा रहे हैं, उसके बाद ना फ्रीज़र लेकर आया ना, इसके अंदर डाल देंगे, इसमें बर्फ़ है तो आराम से पानी ठंडा हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर खाने की तैयारी की जा रही है, हिमांशु भाई पानी डाल रहे हैं यहाँ पर इसके अंदर। क्या बना रहे हो हिमांशु भाई? आज बनाएंगे हम मसाला चाप। मसाला चाप चावल डालेंगे ना उसमें? चावल करके चावल डालेंगे, अलग से बनाएंगे। पहले चाप को मतलब बॉईल कर रहे हो? चाप को पहले बॉईल करेंगे। अच्छा अच्छा, सबसे पहले हम अपने इसको बाउल को धो लेते हैं। अब पानी कहाँ फेंके, ये फेंक दो सारे में, ये मतलब जो चाप है उसको बॉईल करेंगे पहले। तो सब लाए हैं टमाटर वगैरह, देखो ये रहा, बाकी मैगी का टाइम मिला तो मैगी भी बना लेंगे। ये देखो मैगी लेकर आए हैं, कोल्ड कॉफ़ी बनाने का भी हमारा प्लान है, तो कॉफ़ी वगैरह भी लेके आए हैं। ये देखो नेस्कैफे की यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हो रही है, और देख सकते हैं यहाँ पर और किसकी ऐड करनी है यहाँ पर, ये कप नूडल्स देख सकते हो आप, कप सूप। जलाओ 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 जलाओ, जल गया जल गया। हाँ। दिख नहीं रही गैस? दिखेगी नहीं भाई, ये देखो ये देखो। हाँ ये देखो जल रहा है बट गैस नहीं दिखाई दे रही। अरे वाह, ये देखो हिमांशु भाई यहाँ पे चाप डाल रहे हैं, ये डल की चाप। कितनी चाप लाए हो? बहुत सारी है, बहुत सारी है। लेकिन हम बंदे हैं, अब हम तीन बड़े हैं, एक छोटा बच्चा ये तो हाँ। खाएगा नहीं कार्तिक, तो भाई हम पांच ही चाप डालते हैं। पांच चाप डाल दिया भाई। तो भाई सीरियसली बता रहा हूँ काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ पे इस तरीके से बैठ के, मेरी तो फर्स्ट कैंपिंग है ये। हिमांशु भाई ने बोला चलो तरुण भाई करो कैंपिंग, तो मैं आया यहाँ पर, तो ये भी यहाँ पे अपनी चाप बॉईल हो रही है, इसके बाद चावल वगैरह बनाएंगे। चावल में इसको कट कट करके डालेंगे, क्या कौन से चावल बता रहे थे वो? बासमती चावल। बासमती नहीं, सोया चाप वाला कुछ चावल बता रहे थे ना, सोया चाप वाला कुछ चावल ही बता रहे थे शायद, मतलब चाप के साथ चावल खाएंगे हम। हाँ अच्छा अच्छा, हम तो क्या बोले मसाला वाला चाप बनाएंगे ना, तो वो ग्रेवी टाइप ही बनता है, तो उसके ऊपर हम चावल जैसे प्लेन चावल बनाते हैं उसके ऊपर हम ये डालेंगे। अच्छा चावल और चाप को हम साथ में खाएंगे इस तरीके से, और मैगी? मैगी देखते हैं भाई टाइम मिला तो बनाएंगे। चलो बाकी कोल्ड कॉफी तो पक्का है ना? कोल्ड कॉफी बनाएंगे, पीते हुए जाएंगे, कोल्ड कॉफी पीते हुए निकलेंगे यहाँ से। काफी ज्यादा ठंडी हवा चल रही है, आप मेरे पीछे का व्यू भी देख सकते हो कितना अच्छा, कितना प्यारा व्यू है। वहाँ पीछे वो लेक है, वो झील जो है, काफी ज्यादा अच्छा फील आ रहा है भाई। तो यहाँ आप आ सकते हो, मतलब चाहो तो कैंपिंग करो यहाँ पे आके, या फिर चटाई वटाई लेके आ जाओ, बैठो आराम से टाइम स्पेंड करो। और क्या है, पेड़ यहाँ पे लगाई है, धूप वूप यहाँ पे आएगी नहीं। ये भाई अपनी चाय यहाँ पे बॉइल्ड हो गई है, चाय नहीं चाप। हाँ चाप चाप, तो चाय भी होती, मजा नहीं आ जाता यार, चाय का हिसाब नहीं रखा तुमने कुछ यार। चाय मेरे को पसंद नहीं, इसलिए मैंने नहीं रखा। ये सही है, तुम्हें पसंद नहीं है तुमने भाई, देखो इनवाइट मैंने करा है, तो जो मेरे को पसंद है मैंने अपना ख्याल रखा है। तो चाप यहाँ पे अपनी तैयार हो रही है, बस इसको कट करेंगे ना हम। अभी हम इसको निकालेंगे चॉपस्टिक से, चॉपस्टिक कह रहा हूँ, अभी हम इसको स्टिक से निकालेंगे। तो भाई हिमांशु भाई तो लगे खाना पीना बनाने में, ये देखो टेंट पूरा काफ़ी बढ़िया है, और पीछे इस तरीके से लगाया हुआ है, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन पास होती रहे ताकि गर्मी ना लगे अंदर, इसलिए ऐसा बनाया हुआ है। टेंट भी काफ़ी बड़ा है, इसके अंदर ना मतलब बैठने की अगर बात करें 6-7 लोग बैठ सकते हैं, लेटने की अगर बात करें 3 लोग आराम से लेट सकते हैं यहाँ पे रिलैक्स होकर। इतनी प्यारी जगह है, लोगों को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों गंदगी यहाँ पे करके चले जाते हैं ऐसी ऐसी जगहों पर। देखो यार पता नहीं क्या है, कब लोगों में समझ आएगी। देखो ये किसने करा, ये खुद थोड़ी ना हो गया, ये लोगों ने करा ये सब। ये देखो ये देखो ये देखो, पता नहीं क्या है यार।
खाना तो बनना है भाई, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। कितना टाइम लग जाएगा अभी भाई? एक घंटा लगेगा। एक घंटा? तो एक घंटा बता रहे खाना बनने में लग जाएगा। और मैं टेंट के अंदर एक बार भी नहीं गया, टेंट के अंदर जाके देखता हूँ मैं कैसा लगेगा। यार यहाँ गद्दा होता मज़ा आ जाता यार। अरे ले आते वो भी, गद्दा होता एक तकिया होता मैं तो यहीं सो जाता, तुम बनाते रहते खाना। अरे वाह, आहा हा, ये देखो पूरा टेंट वेंट अपना लगा पड़ा है। वो हिमांशु भाई खड़े हैं वहाँ पर, यहाँ पे लगाया हुआ बढ़िया से ताकि हवा आती रहे, पास होती रहे, मज़ा आ रहा है। क्या तीन लोगों का टेंट नहीं? तीन बंदे आराम से आ जाएंगे। तो भाई मैं तो बहुत रिलैक्स होकर लेटा हुआ हूँ, मज़ा आ रहा सच में। हिमांशु भाई तो खाना बना रहे हैं, मैं आराम से यहाँ लेटा पड़ा हूँ, जो झूला हमने लगाया था ना उसी पे लेटा पड़ा हूँ मैं तो। मदद करवा दूँ? अरे तुम ही बनाओ। तो अभी बना रहे हैं वो, टाइम लगेगा थोड़ा सा। बर्ड्स की अच्छी थी, इतनी अच्छी आवाज़ आ रही है भाई, सुकून सा मिल रहा है यार, मज़ा आ रहा है। वो भाई अब यहाँ पे हिमांशु भाई छौक लगाएंगे यहाँ पर, देखो सोया चाप में, और सोया चाप में ये देखो मसाले वगैरह सब लेके आए हैं भाई, पूरी तैयारी के साथ आए हैं भाई। ये डाल लो, ये क्या डाल रहे हो? लौंग, इलायची और तेज़पत्ता, दालचीनी, और इसमें हम डालेंगे मोटी इलायची। मैं सारी नॉलेज है भैया। हाँ, तुम्हारी वाइफ तो खुश होंगी फिर तुमसे। हाँ, खाना बनाते रहता हूँ ना। अच्छा तुम ही बनाते हो खाना? कभी कभी। अच्छा अच्छा कभी कभी। तेल हो गया भाई गरम। अरे अरे हो गया। अब इसमें लगाते हैं थोड़ा। खुशबू आ रही है। मुझे तो खाना बनाना इतना आता नहीं है, थोड़ा मोड़ा कुछ आता है, उसमें भी टेस्ट नहीं आता जब मैं बनाता हूँ। भाई को तो अच्छे से आता है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है भाई, पता नहीं क्या क्या डाल लिया इसके अंदर। अरे भाई इतनी इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है तो। अरे यार मज़ा आ रहा है। तुम डाली इतना कुछ रहे हो यार इसके अंदर, आएगा ही मज़ा तो। तो भाई सूर्य देवता तो जा चुके हैं, धीरे धीरे अंधेरा होने को है अब, बट व्यू अब भी एक नंबर लग रहा है। तो अंधेरा हो ही जाएगा क्योंकि अभी तक हमारी सब्ज़ी बनी नहीं है, क्योंकि टाइम लग रहा है इसलिए नहीं बनी। ये भाई लगे पड़े हैं अभी, एक डेढ़ घंटा हो गया भाई को बनाते बनाते, पता नहीं सारा टेस्ट भाई आज ही डाल देंगे इसलिए टाइम लग रहा है। अरे वाह भाई ये क्या लग रहा है देखने में भाई, मज़ा आ रहा है इसको देख के तो। अब देखो खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। अच्छा ये चाप डालोगे? अब चाप जाएगा। वैसे इतना टाइम क्यों लग रहा है? टाइम लग गया, अकेले बना रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा, तुम हेल्प ही नहीं कर रहे हो। एक बंदा टमाटर खाते एक प्याज खाते तब तक हो जाता। सही पकड़े हैं। तो भाई आपने ना बचपन में नदी पे या फिर नहर वगैरह पे वो करा होगा, जब पानी भर जाता है ना उस जगह आपने ये चीज़ करी होगी, पत्थर को मारते ना तो पत्थर ऐसे 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 करके जाता है। तो नरेश भाई वो करके दिखा रहे हैं हमें, दिखाना करा है तुमने पहले? नहीं करा पहले, बचपन में करा। अच्छा बचपन में करा है, करके दिखाओ तू कहाँ कर पाएगा, करियो। मैं ऐसे ऐसे थोड़ी फेंकना है, ऐसे फेंक दिया। ये तो एक ही जगह गया, लहर कूदते कूदते लेके जाना है। ये देखो साइकिल चलाते हुए कुछ लोग भी आ गए यहाँ पर। मारना करो करो करो, नहीं हो रहा, पत्थर नहीं मिल रहा। अच्छा पत्थर नहीं मिल रहा पतला। तो भाई देखो मैंने पत्थर लिया, मैं ट्राई करता हूँ, मुझे आता नहीं है बट फिर भी ट्राई करते हैं वो चीज़ वहाँ दिखाना, ठीक है? एक दो तीन, और कर दिया मैंने, कर दिया कर दिया, एक बार हो गया। देखो नरेश भाई करके दिखा रहे, करना करना। ये एक दो, दो बार हुआ तुम्हारा भी, दो ही गए यार। हाँ अरे इसका एक ही हुआ। ओ बन गया, बन गया, चावल बना लेते हैं जल्दी। तो चावल बनाओगे अब? अरे दो, ये तो 5 मिनट में बन जाएगा। जब 5 मिनट में बन जाएंगे? हाँ चावल में। हाँ सीटी लग के बन जाएंगे, बाकी चाप तो अपनी रेडी हो गई है। चाप तो बढ़िया बनी है, अभी दिखाना। चलो खाएंगे तब दिखाएंगे। मैंने थोड़े चावल लेके आ गए, सूखे चावल, मतलब जैसे होते हैं ना वैसे ही, मछलियों के लिए डाल लें, मछली आए ना इसके अंदर काफ़ी, आएगी क्या पता लगेगा ना उनको, तब आएंगी, ऐसे नहीं आएंगी। फेंक के दूर तक मारो। हाँ आ नहीं रही, तब पता लगेगा ना, तब खाएंगी आकर। हिमांशु भाई ने यहाँ पे गैस पे चढ़ा दिए चावल। भाई कुकर लेकर आया, वो कैंपिंग वाली फीलिंग नहीं आ रही कुकर में यार।
कौन सी कैंपिंग वाली फीलिंग यार, क्या करे अब, जल्दी से खाना तुम्हें भी चाहिए भाई, चावल इसी में पक सकता है जल्दी तो। ये तो है, अगर हम कोई कटोरे वटोरे में बनाए ना तो ये जो है गैस भी काफी ज्यादा लगेगी और टाइम भी लगेगा, तो हमने सोचा भाई कुकर ही ले लेते हैं। सलाद काट लो, काट लो। ये देखो भाई गैस अब दिखाई दे रही है, देखो सुबह दिखाई नहीं दे रही थी, दोपहर में तब रोशनी थी ना सूरज की, तब नहीं दिखाई दे रही थी, अब दिखाई दे रही है गैस। अच्छा ये एलपीजी गैस नहीं होती ना? नहीं ये बुटेन गैस होती है, बुटेन गैस होती है। देखो ये गैस होती है, ये कम से कम 3 से 4 घंटा चलती है, मतलब एक सिलेंडर 3 से 4 घंटे चलता है, एक सिलेंडर 3 से 4 घंटा आराम से चलता है। अच्छा अच्छा, तो ये सबसे बढ़िया रहता है अगर आपको कैंपिंग ट्रैकिंग करते हो ना अगर आप लोग, तो भाई ये सबसे बढ़िया रहता है, ये चीज ले लो, एक बार इन्वेस्टमेंट है लेकिन फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया है भाई। ये तो है भाई, पता है ना मैगी वगैरह बाहर कितनी महंगी मिलती है भाई, घर में बैठ के बनाओ, अपना जहाँ पे होटल वगैरह बुक करते वहीं बनाओ, बढ़िया मजा आता है। तो भाई ये चीज मेरे को काफी बढ़िया लगी। देखो अगर आप पहाड़ों में जाते हो ना घूमने के लिए, तो भाई बाहर जाओगे ना 150-150 रुपए के मतलब आपको एक पैकेट वो मिलता है मैगी का, और यहाँ देखो एक ये ले लो आप, ये गैस चूल्हा जो ये भाई की ने दिखाया ये, बाकी मैगी के पैकेट रख लो, बाकी प्याज व्याज जो आपको जिससे ये बनानी है वो रख लो, आराम से खाओ। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं केदारनाथ गया था ना, तो अगर मेरे पास ये होता ना मेरा बहुत पैसा बच जाता, बहुत पैसा लगाता ये टेंट वगैरह में। वहाँ पर व्लॉग देख सकते हो केदारनाथ वाला जाकर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और भाई ने मनाली में कैंपिंग करी थी, उसका भी भाई ने ब्लॉग डाला अपने चैनल पे, वो भी देख सकते हो। हजार रुपए बचा लिए थे मैगी में। अच्छा जी, ₹1000 मैगी में बचा लिए थे, मतलब इतनी महंगाई थी वहाँ पर, तो बहुत बहुत बढ़िया लगा मेरे को ये चीज। तो मैं बता देता हूँ एक बार किसकी मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं केदारनाथ गया था ना घूमने के लिए, जब कपाट खुले थे भोले बाबा के वहाँ पे केदार बाबा के, तो उस समय क्या है ना वहाँ पे बहुत ऊंचाई पर है वो, वहाँ पे रहने की कोई बंदोबस्त नहीं है, तो इसी तरीके के टेंट वहाँ पे होते हैं, पहले होटल वगैरह हुआ करते थे, बट जब वो आपदा आई थी उसके बाद मतलब वहाँ पे टेंट ही होते हैं सिर्फ, तो इस टेंट का मतलब एक बंदे का कितना था, कितने रुपए ले रहे थे वो, 600 रुपए, वो भाई जैसा ये टेंट है ऐसा बहुत बेकार था। तो अगर हमारे पास इस तरीके का टेंट होता ना तो भाई बहुत हमारा फायदा होता बहुत ज़्यादा। अगर आपको घूमना वगैरह पसंद है, माउंटेन में जाना पसंद है, तो भाई आपके लिए ही है ये चीज़, तो करो इसको बुक। भाई ने वीडियो बनाई है बताया था जैसा कि, तो भाई के चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। ये देखो भाई कुकर में सीटी तो आ गई, बहुत बढ़िया भाई। हिमांशु भाई यहाँ पे आप दूध गर्म कर रहे हैं, कोल्ड कॉफ़ी बनाने का सोचा हमने, कैसे फाड़े कैसे निकल रहा है, तो कोल्ड कॉफ़ी बनेगी ना इसलिए दूध गर्म कर रहे हैं। इसको साफ करो भाई, यहीं पे कंचका नहीं होती, उसी तरीके से बैठ के खाएंगे, भंडारा होगा। मैं लाओ भंडारा लाओ, अरे लग रहा है क्या, वो भंडारा रेडी नहीं करा अभी तक, अरे हो गया, लगाओ भूख लग रही है भाई। तो टाइम की अगर बात करें तो भाई 7 से ऊपर टाइम हो गया है, रात होने को है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, फिर तब भी दिखाएंगे, अंधेरे को भी दिखाएंगे। भाई यहाँ पर अपना खाना आ चुका है, ये चावल, ये सोया चाप, यहाँ पे प्याज, बाकी नींबू, तो इसके ऊपर नींबू लगा के छिड़केंगे, मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे नरेश भाई का, यहाँ पे ये कार्तिक का, ये हिमांशु भाई, आ जाओ तुम भी खाओ। अरे बस खाता हूँ, तुम लोग खाओ। बाकी देखो चंदा मामा आ चुके हैं, वो देखो। तो भाई फटाफट से खा लेते हैं ये चावल, देखते कितने टेस्टी बनाया हिमांशु भाई ने, टाइम तो बहुत लगा दिया भाई ने, 1.5-2 घंटे लगा दिए बनाने में, अब खाते हैं, फिर मैं वीडियो के बाद मतलब खाने के बाद मिलता हूँ, फिर बताऊँ कैसा बनाया था भाई ने। तो भाई खाना खा लिया, अंधेरा लगभग हो ही चुका है, तो देखो ये अंधेरा हो ही गया लगभग, तो कार्तिक नहीं खा पाया, हम सब ने खा लिया, ये आराम आराम से खा रहा है, खाया नहीं जा रहा क्या? चाय को इतने लिए थे फिर मना नहीं कर सकता था, ज़्यादा हो गए। तो हिमांशु भाई यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी बना रहे, गर्मी क्योंकि है थोड़ी सी, बस ठंडा क्या, लेकिन फिर भी गर्मी तो है ही भाई। देखो बढ़िया वाली कोल्ड कॉफ़ी बना के दिखाऊंगा एकदम। अच्छा कोल्ड कॉफ़ी बढ़िया बनाओगे? बढ़िया। अच्छा जी, ये क्या पानी क्यों गर्म कर रहे हो? ये पानी गर्म करने के लिए भाई, कोल्ड कॉफ़ी जैसे कि आपको पता है शेक करने के लिए गर्म पानी यूज़ करते हैं। अच्छा। कोल्ड कॉफ़ी के लिए, तो उस तरीके से हमने कर लिया है केटल में इस तरीके से गर्म। अच्छा बंद कर दिया गैस? बंद कर दिया। अच्छा अच्छा, एक बार गैस जला के दिखा रहा, सुबह दिखाई नहीं दे रही थी। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं, केतल को हटा लो, ऐसे जला के दिखाओ, क्योंकि मैं दिखाई नहीं पाया लोगों को जलाते हुए। ये भाई लाइटर इनबिल्ड रहता है इसमें। अच्छा लाइटर अंदर ही होता है ना, बस आपको क्या करना है, ये लगाना है बुटेन गैस और ऐसे ऑन करके ये on. ये देखो भाई, सुबह दिखा नहीं पाया था मैं क्योंकि रोशनी में दिखा नहीं रही थी, ये गैस कर दो बंद। तो भाई बना रहे कोल्ड कॉफी, उसके बाद बताएंगे वो कैसी बनाई है भाई ने। ये देखो रात में ऐसा व्यू यहाँ का हो चुका है, बनाओ भाई तुम बनाओ, मैं अपना देखता हूँ। तो ये देखो रात में कैसा व्यू हो गया, अभी हमने यहाँ पे चावल भी डाले थे मछलियों को, मछलियाँ निकल के आई थी ऊपर, मतलब पके हुए हमने डाले थे। और हैंगे क्या चावल? और हैंगे चावल? अच्छा अच्छा, और हैंगे चावल और बचे थे, ये भी लेके आ गया मैं, ये लो भाई, थोड़ी देर में आएगी मछली अभी। ये देखो चांद की रोशनी यहाँ पे आ रही है, चंदा मामा दूर के खाए पकौड़ी पूर के, मतलब ऐसे कुछ होता था, भूल गया मैं, कितना अच्छा व्यू आ रहा है, फोटो वगैरह लेता हूँ थोड़ा यहाँ पे। ये देखो देखो वो मेंढक की आवाज़ आ रही है, क्या बोलते हैं गाँव में, क्या बोलते हैं टर टरा कुछ ऐसा बोलते हैं ना गाँव में, मेंढक को क्या बोलते हैं, मेंढक को गाँव में क्या टर टरा,
टटूरा मतलब कुछ बोलते हैं ऐसा ही कुछ टटरी टट्टी टटरा काय को बता रहा नहीं बता दो तो भी अंधेरा यहाँ पर देखो टोटली हो चुका है। हिमांशु भाई यहाँ अपनी कॉफी बना रहे हैं। देखो भाई इस तरीके से हमने लिया ये कप, इसमें ना शेक करने के लिए कॉफी को बनाएंगे हम कोल्ड कॉफी, इसमें एक पूरा पाउच डाल देंगे कोल्ड कॉफी का। ये तो भाई कॉफी डाल रहे हैं, ये एक रखी है ना भाई ने एक्सपेरिमेंट पहले करके देखा तो अब भाई और बना रहे हैं। ये भाई गरम गरम पानी, गरम पानी क्यों भाई, इसको शेक करने के लिए गरम पानी तो गरम नहीं हो जाएगी कॉफी, नहीं चीनी भी तो घुलना घुलनी पड़ेगी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अब डालेंगे इसमें शुगर, यहीं था कहाँ गया, ये रहा ये रहा। इसमें डालेंगे भाई 1 टेबल स्पून पूरा बड़ा चम्मच शुगर का, तो भाई अब इसको कर देते हैं हम इस तरीके से बंद। अच्छा शेक करोगे इसे, अब देखो शेक, इससे क्या होगा झाग जितनी बढ़िया बनेगी उतनी बढ़िया तुम्हारी कॉफी बनेगी। अच्छा जी, ये देखो, अरे वाह इतना सा ये, और शेक अभी देखो इसको और शेक करने का, अब देखो वाओ झाग ही झाग बन गए इसमें तो भाई। अब लेते हैं एक कप, कप पे अब डालते हैं चोको सिरप, अपना सबसे पहले लगाते हैं चोको सिरप, ऐसा लग रहा फूड ब्लॉगिंग कर रहे हम भाई। ये अगर अपने पे डिस्पोजल ग्लास होते ना तो बहुत बढ़िया दिखती कॉफी, जैसे मार्केट में देखते हैं ना। अब डालते हैं इस पे कॉफी, दूध डालना दूध में मिल्क, ध्यान से चौपट हो गया थोड़ा, कोई नहीं भाई मलाई वाला पियोगे, मलाई वाला पियेंगे बिल्कुल यार भाई, मलाई चली गई इसमें, डाल दी मलाई। पूरी तरह अंधेरा हो चुका भाई, ये फोन में दिखाई दे रही है इतनी लाइट, इतनी लाइट है भाई। आइस क्यूब इसके ऊपर, आइस डालेंगे आइस, ठंडा ठंडा, ये देखो आइस डाल दी भाई ने, इसको थोड़ा वाह भाई वाह क्या बात है। यहाँ देखो भाई कितना बड़ा मेंढक आ चुका है, ये देखो जूम करके दिखाता हूँ, थाली के सामने दिखाओ, थाली के सामने ये देखो भाई खाना खाने आया, ये तो कार्तिक ने छोड़ दिया ये खाने के लिए आया, खा ले भाई खा ले, बहुत मोटा ये तो, कितना ज्यादा बड़ा है भाई साहब, पहली बार देखा इतना मोटा मेंढक, पकड़ लेगा इसको, डर लग रहा है भाई कार्तिक ने पहली बार देखा इतना बड़ा मेंढक। क्या हो गया भाई खाना खाएगा, क्या हो गया, थाली आगे कर दो, खाना खाएगा भाई, ये देखो कार्तिक ने छोड़ दिया ये, थाली आगे कर दो इसको, थाली आगे कर देते हैं ले भाई, अरे रो कितना ऊपर कूद गया, वो बोल रहा है मैं एटीट्यूड में, बहुत बड़ा है। तो भाई पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका है, देख सकते हो आप मेरे पीछे अंधेरा ही अंधेरा है, तो ये मैंने फोन की फ्लैश लाइट जला रखी है, हम जो टॉर्च लेके आए थे ना भाई ने देखा ही नहीं उसकी बैटरी मतलब खत्म हो गई थी, तो अब फोन की जो फ्लैश लाइट है उससे हम काम चला रहे हैं, टोटली अंधेरा ही, ये देखो कुछ भी नहीं दिख रहा, ये पीछे कौन है, मैं हूँ कौन, वाइट वाइट कौन है, भूत तो नहीं है, कौन है भाई, अरे कोल्ड कॉफी कैसी लगी, नरेश भाई है नरेश भाई, कोल्ड कॉफी बताओ कैसी लगी, कोल्ड कॉफी अभी पियेंगे उसके बाद बताएंगे, तो फटाफट पीते हैं फिर निकलेंगे पैकिंग करके, अंधेरा हो चुका पूरी तरीके से। ये देखो मैंने फ्लैश लाइट से दिखा रहा हूँ आपको, बताना कैसी है, बढ़िया भाई एक नंबर है, एक नंबर बर्फ हमारी यार, हमें कितनी देर हो गई ना आए हुए, तो ये रही अपनी भी रखी है यहाँ पे, कोल्ड कॉफी पी लेते हैं अब, बर्फ डाल लो और मजा आएगा। अच्छा जी, अच्छा ये नरेश भाई थे यहाँ पर, ये कार्तिक ये रहा, सही लग रही है, पी नहीं अभी हाँ कैसे बोल दिया फिर ये देखो भाई हम अपनी पैकिंग कर रहे हैं अभी यहाँ पे, हमने सारा हो चुका है सब कुछ, देखो कितनी टॉर्च लगा रखी है, दो ये सामने एक कार्तिक के हाथ में, एक वहाँ पर, एक ये रही, एक ये रही, एक भाई के जेब में अभी रख लिया भाई ने, तो मतलब 7-8 फोन है हमारे पास, सारे फोनों की टॉर्च हमने चालू कर रखी है, एक ये रही, जल्दी तेज जल्दी जला लो इसे भी जला लो,
टांगने का अंदर टांग लो बढ़िया है भाई इस तरीके से लाइट ये तो बढ़िया है भाई ये तुम पूछ रहे थे ना कि ये क्या कर रहा है ये किस तरीके से होते हैं ये बढ़िया तो भाई हमारी पैकिंग हो चुकी है देखो किस तरीके से दिखाई दे रहा कुछ भी नहीं दिख रहा ये सनलाइट थोड़ी सी आ रही है ना सनलाइट मूनलाइट चांद की रोशनी आ रही है ये देखो कार्तिक भी पूरा काला काला दिख रहा है कुछ दिख ही नहीं रहा इसकी शर्ट दिख रही है बस कितना बेकार लग रहा है पूरी ब्लर ब्लर आ रहा है मेंढकों की आवाज़ कितनी ज़्यादा आ रही है ये सुनो देखो देख रहे हो ये देखो झील कैसी लग रही है इतनी डरावनी रात में तो पैकिंग हो ही गई है तो दोस्तों अपनी गाड़ी में हम आ चुके हैं वापस काफ़ी अच्छा मेरा आज का दिन रहा कैंपिंग काफ़ी अच्छी लगी मानसू भाई लेकर आए थे कैंपिंग के लिए भाई बहुत अच्छा लगा मुझे आज चलो भाई उम्मीद है एक बार और करेंगे फिर से कैंपिंग देखते हैं मज़ा आएगा तो भाई अगर आपने वीडियो पे अच्छा रिस्पांस दिखाया शेयर करो अपने दोस्तों में अपने कपल्स को अपने लाइक तो बनते हज़ार लाइक तो भाई शेयर करो दबा के ठीक है वीडियो पसंद अगर आपको आई तो और ऐसे ही कंटेंट लेकर आने की कोशिश करेंगे तो अच्छा लगा मुझे मानसू भाई लेकर आए थे कैंपिंग के लिए इस लोकेशन पर तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में चैनल पे आए पहली बार कर लें सब्सक्राइब इंस्टा भी कर सकते हो फॉलो बड़े बड़े रील्स वहाँ मैं करते रहता हूँ पोस्ट तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में ध्यान रखें आपसे अपना जय हिंद वंदे मातरम।